Hello students, welcome to Statistics Period. Now we will continue the series, practice series. So this is your practice series third. So let's begin with that. If an unbiased coin is flipped till the first head occurs, then the sample space be what? मतलब कि अगर आप कोई भी fair coin को toss कर रहे हैं और पहला head आने की जो sample space, जो possible outcomes बनेंगे, वो क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या possibilities हो सकती हैं? तो अभी आपको पता है कि ये फर्स्ट हेड आने के चांसेस जो हैं वो ऑब्वियसली एक इनफाइनाइट जो होगा वो सैंपल स्पेस बनेगा. हो सकता है आप पहली बार टॉस करें, आपको पहली बार में हेड मिल जाए. हो सकता है आपको सेकंड टाइम में हेड मिल जाए, थर्ड टाइम में हेड मिले, फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम एंड सो ऑन. तो ये जो है वो एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस या सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे. तो यहाँ पे सब जगह फाइनाइट है, सो ऑल आर रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर विल बी दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सपोज दैट ड्यू टू एन अर्थक्वेक देयर इज अ चांस फॉर अ 5-year-old बिल्डिंग टू कोलैप्स वेदर द डिजाइन इज फॉल्टी और नॉट. द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजाइन इज फॉल्टी इज 50%. अगर डिजाइन फॉल्टी है तो 50% है. द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिल्डिंग कोलैप्स इज 90% इफ द डिजाइन इज फॉल्टी एंड अदरवाइज इट इज 40%. If an earthquake occurs, then the probability that the building collapses what? So now, जब आपने question read किया, तो जब इस type का question होता है probability का, तो वहाँ Bayes rule लगता है, right? So सबसे पहले देखिए, आपने एक event define किया कि आपकी जो building है वो faulty building है, and उसका जो probability आपको given है वो 0.15 है. तो जो E2 event आप define करेंगे, वो obviously faulty नहीं होगा. और वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.85. जो आर्बिटररी इवेंट हम लेते हैं वो लेते हैं कि जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाएगी. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिल्डिंग कोलैप्स होगी अगर आपकी जो डिजाइन है, इट इज नोन दैट डिजाइन इज फॉल्टी, वो आपको 90% दिया हुआ है. और अगर डिजाइन फॉल्टी नहीं है फिर भी आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है तो दैट इज 40%. आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताएं कि जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स की, मतलब आर्बिटररी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है. तो बेयस रूल में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बेयस रूल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P(e1) a गिवन e1 प्लस P(e2) a गिवन e2. सो इट इज वेरी सिंपल. जितना बड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा था उतना ही शॉर्ट इसका कैलकुलेशन है. तो आप 0.15 को मल्टीप्लाई करें 0.90 से एंड 0.85 को विल मल्टीप्लाई बाय 0.40 एंड ये आ जाएगा आपका 340 एंड ऑन एडिशन वी विल गेट 475 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हियर वी विल सी दैट द फर्स्ट विल दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो हमने बेस रूल की हेल्प से सॉल्व किया है. इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स इफ ए बी एंड एन, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज गिवन टू यू, देन फॉर ए बी टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बी व्हाट. नाउ दिस इज अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में नेगेटिवली एसोसिएटेड कब होता है. इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू विद इन अ सेकेंड यू विल सॉल्व दिस. तो ये होता है नेगेटिवली एसोसिएटेड की कंडीशन. और एवरीथिंग इज गिवन टू यू. ए बी की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि उसकी वैल्यू किसके बीच में लाए करेगी. आपको 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है एंड टोटल 200 इज गिवन टू यू. सो जस्ट कैंसिल इट और ये आ गया आपका 6. तो ए बी जो है वो लेस देन 6 होगा. सो हियर ट्राई फ्रॉम द ऑप्शंस. तो यहाँ पर ए बी विल बी लेस देन 6 विल बी द आंसर. सो समटाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होता तो ग्रेटर देन हो जाता और अगर इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ इक्वल साइन आ जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑलवेज एग्जिस्ट. एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मे और मे नॉट एग्जिस्ट. सो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि रैंडम वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ एग्जिस्ट करे. फॉर एग्जाम्पल कॉशीज डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ नहीं एग्जिस्ट करता. इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है कि एमजीएफ कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करता, कॉशीज का, राइट?
लेकिन कॉशीज का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हमेशा कोई भी रैंडम वेरिएबल हो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एमजीएफ एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, सो आंसर हियर विल बी बोथ वन एंड टू. Which of the following can be the probability mass function? So here this is to just recall the concept of probability mass functions. देखिए क्या होता है, probability mass function की दो condition होती है, एक तो positive होना चाहिए और एक इसका summation जो है वो one होना चाहिए. तो आप देख लीजिए अगर कोई भी probability negative है तो उस option को आप discard कर दीजिए. जैसे आप देख रहे हैं इस वाले में ये option नहीं होगा, negative है क्योंकि it must be positive. और दूसरी बात इसका सम जो है वो वन होना चाहिए, तो आप देखिए इसका सम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 0.99 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका. इसको आप ऐड करके देख लीजिए 1/4, 2/4 एंड 3/4, तो दैट विल 6/, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी दिस फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए 1/4 पॉजिटिव है और क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी है, तो जब आप इसको चार बार ऐड करेंगे 1/4 को, तो ये आपका आ जाएगा 4/4 एंड इसका समेशन विल बी इक्वल्स टू 1. तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपका हो गया पीएमएफ. अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैज अ पीडीएफ दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी वाई विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या आंसर आना चाहिए. सो हियर दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है. आपको यहाँ पे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी y विल बी लेस देन 2, तो अपर लिमिट 2 से छोटा है तो ऑब्वियसली अपर लिमिट ही होगा, लेकिन जो लोअर लिमिट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा. सिंपल आपको यहाँ पे अपना जो फंक्शन है उसको रखना है एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. सो वंस यू विल डू द इंटीग्रेशन, तो ये आपका आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ पर आ गया माइनस 3, दिस विल बी 1 एंड 2, तो ये माइनस 1 आ गया. एंड वंस यू विल पुट द, ये आ जाएगा 1/8 माइनस 1 एंड 8, अगर जब आप एलसीएम लेंगे एंड वंस यू विल सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 7/8 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इट इज वेरी सिंपल, बट समटाइम्स सिंपल क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक होती है, नॉर्मली इंटीग्रेशन में या फिर कई स्टूडेंट्स लिमिट्स में भी जो है वो मिस्टेक कर देते हैं. सो प्लीज चेक इट आउट वंस, क्वेश्चन गलत ना हो जाए, एक बार चेक कर लीजिए आपने लिमिट्स प्रॉपरली रखी हैं और अपना इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए. तो 7/8 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इफ fx इज इक्वल्स टू 1/4 फॉर दिस लिमिट, आपको यहाँ पे अब एब्सोल्यूट की टर्म्स में दिया हुआ है, देन वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस. ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको 1/4 दिया हुआ है, तो इसका जो लिमिट होगा वो -2 to +2 होगा. और आपको यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये निकालनी है. ठीक है, ग्रेटर देन है तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा दीजिए और इसको जो है वो लेस देन में ले आइए, सो दैट वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन और हम एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लगा दें. अगर लेस देन है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रेंज करेगी. यहाँ पे इक्वालिटी साइन का कोई रोल नहीं है क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखें तो आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -1 to 1. तो देखिए -2 to आपका फंक्शन की वैल्यू है 1/4 इंटू dx, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा एंड दिस विल बी 1 - 1/2, सो 1/2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जब भी एब्सोल्यूट अगर आपका ग्रेटर देन में है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा के लेस देन में ले आए, ताकि x की रेंज आप इसको नॉर्मल उसमें कर सकते हैं, बिकॉज एब्सोल्यूट मतलब ये -1 भी लेगा और +1 भी लेगा, राइट. सो दिस इज द आंसर, सो हाफ विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. If A and B are the two independent events such that, आपको यहाँ पे remember C या bar जब आता है तो complementary होता है. दो आपको probabilities दिया हुआ है और आपसे relation पूछा जा रहा है between A and B. So let's solve it out. So students, question में A bar intersection B और A intersection B bar है, तो आप सबसे पहले Venn diagram बना लीजिए. आपको पता है ये वाले area में B नहीं है तो ये B bar हो गया, इस वाले area में A नहीं है तो A bar, और दोनों का common होता है intersection B.
जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा आपका पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको दिया हुआ है 3/25. ठीक है, अब दूसरे वाले में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका जो आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वो 8/25 दिया हुआ है. आपको पी बी और पी ए में रिलेशन निकालना है, आप सिंपली जो है वो माइनस करिए, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस 5/25, दैट विल बी पी बी माइनस पी ए. राइट, तो ये जो आ रहा है वो आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव है. एंड वंस यू विल सॉल्व दिस, तो पी ए विल बी ग्रेटर देन पी बी, ये आपका एक रिलेशन आ गया इसके बीच में. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. नॉर्मल इक्वेशन मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आंसर नेगेटिव था, तो इसका मतलब ये वाला लेस देन जीरो कर दिया, तो ये पी ए जब इस साइड जाएगा तो आपको रिलेशन मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन में था. सो आंसर विल बी पी ए विल बी ग्रेटर देन पी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉल्स व्हेन एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. जैसे ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये बिल्कुल सही है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होती है, मीन होता है उसका एन पी. देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, दैट इज ऑल्सो ट्रू. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर. स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन पी. नाउ दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो है वो वेरियंस है. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो इसका आंसर रूट में होना चाहिए. सो यहाँ पे क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो आंसर विल बी दिस. इफ द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज टू, देन द वेरियंस इज वॉट. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की. एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन और वेरियंस इक्वल है. अभी आप दूसरी प्रॉपर्टी समझिए, बट फर्स्ट लेट मी राइट इट डाउन. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है वेरियंस, तो वो आपको पता है कि आपको लैम्डा निकालना है, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियंस जो है वो इक्वल होता है. नाउ एक प्रॉपर्टी आप बिल्कुल याद करिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे जो क्यूमुलेंट्स हैं वो उसके पैरामीटर के इक्वल होते हैं. ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यूज याद नहीं है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि म्यू फोर का क्या फॉर्मूला है. लेकिन आपको ये जरूर याद है कि म्यू फोर क्या होता है स्टूडेंट्स, कापा फोर प्लस थ्राइस ऑफ कापा टू का स्क्वायर. ये आपको पता है, कापा मतलब क्यूमुलेंट्स, राइट. तो अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जितने सारे जो क्यूमुलेंट्स हैं वो लैम्डा के इक्वल होते हैं. तो देखिए, बस आपको सिंपल लैम्डा रखना है. नाउ यू गॉट द इक्वेशन. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो सिंपल आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए. तो वी विल गेट द इक्वेशन एज दिस, मतलब ये फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 3λ-2=0. तो लैम्डा माइनस वन आएगा, तो लैम्डा तो कभी माइनस वन हो नहीं सकता, पैरामीटर है तो ग्रेटर देन जीरो होगा. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3. तो यही इसका मीन होगा और यही इसका वेरियंस होगा. अभी आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कि मीन और वेरियंस इक्वल होता है पैरामीटर लैम्डा के, और सारे क्यूमुलेंट्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के उसके पैरामीटर लैम्डा के इक्वल होते हैं. ऑल द क्यूमुलेंट्स ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल टू इट्स पैरामीटर. अगर लैम्डा है तो लैम्डा, और कोई दूसरा पैरामीटर है तो उसके. ठीक है, इसी की हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. सो आंसर हियर विल बी 2/3. If x follows normal distribution and आपको probability x is less than 1 दिया हुआ है 0.84, then we need to find the value for this. Again absolute आ गया, तो यहाँ पर area property जो है वो हम use में लेंगे. So let's do it now. So students, अभी हमने यहाँ पर ये normal distribution, standard normal का जो है वो curve बना दिया. आपको पता है ये symmetrical होता है. सिमेट्रिकल अब यहाँ पे बोला है कि x इज लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 मतलब ये पूरा एरिया 0.84 क्वेश्चन में गिवन है. आपसे पूछ रहे हैं मॉड x विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेस देन 1, तो आपको पता है कि वो जो एरिया होता है वो -1 से +1 आपको एरिया फाइंड करना है. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है. अब सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, कि ये जो पूरा एरिया है वो 0.5 होगा, ये आपको पता है यहां से यहां तक, और ये वाला एरिया भी 0.5 होगा, दैट ऑल्सो यू नो दैट. सो अभी आपको ये भी पता है कि -1 से 0, क्योंकि बाय सिमेट्री, और 0 से 1 दैट आंसर विल बी द
क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो माइनस वन से जीरो और जीरो से वन आंसर एरियाज जो होंगे वो सेम होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, राइट। ये एरिया इक्वल होंगे, ठीक है, ये एरिया इक्वल होंगे। तो इस ये मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा ट्वाइस जीरो टू वन। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए अभी ये पूरा एरिया आपको दिया हुआ है 0.84, राइट, और ये यहां से यहां तक का एरिया, लेट मी ड्रॉ इट स्टूडेंट्स। तो एक बार समझिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये आपका 0.5 है, ठीक है। अभी हम ये एरिया निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये टोटल एरिया आपका 0.84 है, यहां से यहां तक का एरिया 0.84 है। तो 0.84 में से अगर आप 0.5 माइनस करेंगे, मतलब ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हो जाएगा 0.34। आई होप यू गॉट द पॉइंट यहां पे व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ये पूरा आपका 0.5 है सिमेट्रिकल होने की वजह से, ये टोटल एरिया 0.84 है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, 0.84 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, दैट इज 0.34। अगर ये 0.34 है तो माइनस वन टू जीरो भी कितना होगा, 0.34। क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको जाना था माइनस वन से वन, मतलब माइनस वन से वन, तो 0.34 प्लस 0.34 दैट कम्स आउट टू बी 0.68। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आंसर हियर विल बी 0.68। फॉर एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पीडीएफ ऑफ दिस द मीन एंड वेरियंस बी वॉट। सो स्टूडेंट्स यू नो दैट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, तो मीन होता है 1/थीटा और वेरियंस होता है 1/थीटा स्क्वायर। तो यहां पे आप थीटा आपका हाफ है, तो मीन हो जाएगा 2 और वेरियंस हो जाएगा 4। सो आंसर हियर विल बी दिस। What is the value of the mean of f distribution with this much degree of freedom? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो mean होता है of f distribution freedom, तो जो mean होता है f distribution का, इसकी दो important property है वो याद रखिए। पहले तो formula आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि f distribution एक ऐसा distribution है जिसका जो mean है इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब मीन के फॉर्मूले में पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आती है। तो ये दो, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन जो है इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ N1 या फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का नेम है F। दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहाँ पे N2 है 20, तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे आप रखेंगे एंड वंस यू विल कैलकुलेट, तो ये आपका आ जाएगा 10/9 will be the answer for this question. To test the hypothesis about the equality of the two population variances of the normal population. So, आपको पता है two population variances की equality को test करना, अगर आपकी population normal population है, normality को follow कर रहा है, that will be F distribution. T distribution किस लिए होता है? इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स, अगर मीन टेस्ट करने हैं तो टी टेस्ट, पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, इसीलिए टी जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और एफ भी पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन पता होता है जो कैसा होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। विद द यूजुअल नोटेशन आपको यहाँ पे एक्स बार वाई बार आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है वाई ऑन एक्स का, सो लेट्स डू दैट। स्टूडेंट्स यू नो दैट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आपका होता है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, बी यहां पर जो होता है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, तो पहले आप ये निकाल लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, क्वेश्चन में आपको जो है वो आर की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.4, सिग्मा वाई 3 गिवन है और ये 2 गिवन है, तो ये हो गया 0.6। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर और आपके पास ये हो गया। तो अब आप ऑप्शंस में से देख लीजिए कि 0.6x कहाँ आ रहा है, सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो ये आपका कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 0.6x दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि सपोज अगर दो ऑप्शन में 0.6 है और यहाँ चेंज आ रहा है तो आपको कैसे निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ए की वैल्यू कैसे निकालनी होती है. तो यहाँ पे आप अपने कुछ रिवाइज भी कर लीजिए कुछ पॉइंट्स कि वेन एवर देर इज अ रिग्रेशन इक्वेशन, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाते हैं और आपकी जो दो नॉर्मल इक्वेशंस आती है, एक वो ऐसे आती है और ऐसे आती है. यहां से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कितनी रिग्रेशन लाइंस होती है, तो दो रिग्रेशन लाइंस होती है. कौन से मेथड से आप इन कॉन्स्टेंट्स को एस्टिमेट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करके कौन सी इक्वेशंस आती है, उन इक्वेशंस का नाम बताइए, तो ये नॉर्मल इक्वेशंस आती है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिएगा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है. तो इफ यू रिमेम्बर दिस नॉर्मल इक्वेशन, आप इसको थ्रू आउट एन से डिवाइड कर दीजिए. तो वंस यू विल डिवाइड बाय एन यू विल गेट दिस राइट. अब क्वेश्चन में आपको वाई बार दिया हुआ है 7, ए आपको निकालना है और एक्स बार 5 दिया हुआ है, बी आपने 0.6 निकाल लिया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और ए विल बी इक्वल्स टू 4. दिस इज हाउ वी डू. तो ऐसे आप निकाल सकते हैं. तो अब आपकी जो लाइन होगी वो यहां पर 4 आ जाएगा और आप ऑप्शन में देखिए ए प्लस बी एक्स. यहां हमारे लिए ए निकालने की जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे 0.6x सिर्फ एक के अंदर ही था ऑप्शन, दैट्स वाई. बट अगर ऑप्शन है, अगर और प्रेजेंट आप डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू फॉर ए, दैट इज बाय दिस. द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, दो रिग्रेशन लाइन्स आपको दिया हुआ है. द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स एंड वाई इज वॉट, तो अभी आपको रेशियो निकालना है स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स एंड वाई का. तो अगर आपका ये लाइन जो है वो वाई और एक्स है, स्टूडेंट्स दिस इज अ गिवन टू यू, तो सबसे पहले आप बी वाई एक्स निकाल लीजिए. बी वाई एक्स यहाँ पर ए हो गया और बी एक्स वाई यहाँ पर सी हो गया. ठीक है, और व्हाट इज द फॉर्मूला, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और यहाँ पे हो गया आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इक्वल्स टू सी. आपको रेशियो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो आप डिवाइड कर लीजिए. किसका निकालना है, पहले एक्स का होना चाहिए, तो आप पहले इससे डिवाइड करिए आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सी बाई ए. तो आर से आर कैंसिल हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए विल बी द आंसर. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी वॉट, रूट में आ गया सी बाई ए. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऐसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको ये बेसिक फॉर्मुलेस जो है वो लर्न होने चाहिए. सो आंसर विल बी रूट सी बाय ए. द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट आई एट द प्लांट जे इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स. द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज व्हाट. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ योर असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स आर सेम असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है और आपको ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑप्टिमल कॉस्ट निकालना है. तो स्टूडेंट्स आप हंगेरियन मेथड यूज करते हैं इफ यू रिमेंबर, जहां पे आप वो रो में से एंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को. बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस. सो व्हाट इज अ शॉर्ट ट्रिक, जस्ट अंडरस्टैंड दैट विद इन अ सेकेंड आप असाइनमेंट प्रॉब्लम इजिली सॉल्व कर पाएंगे. सबसे पहले आपको इस गिवन मैट्रिक्स में से जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है उसको आप मार्क कर लीजिए. तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो 5 है. ठीक है, तो आपको पता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक रो और एक कॉलम में एक असाइनमेंट होना चाहिए. अब यहाँ पे ये हो गया तो इसको हटा दीजिए, जस्ट एलिमिनेट दिस. फिर स्मॉलेस्ट कॉस्ट इनमें से कौन सा है, दैट इज 9. अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दीजिए और बचा हुआ हो गया आपके पास 14 राइट. एक व्हाट यू हैव टू डू देन, जो आपने मार्क किया है सिंपली आप उसको एड करेंगे राइट. सो हियर व्हाट वी विल गेट, हियर विल बी 28 आ रहा है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 28. दिस इज हाउ यू सॉल्व अ असाइनमेंट प्रॉब्लम विद इन अ सेकेंड. नाउ यहाँ पे तीन कंपनीज हैं, तीन जॉब्स हैं, तो आपको समझ में आ गया. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट प्रॉब्लम. देन अगेन वी विल अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक ओवर हियर. व्हाट वाज द शॉर्ट ट्रिक, गिवन मैट्रिक्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है उसको आप मार्क कर लीजिए. तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो आपका 8 है राइट. सो जस्ट मार्क दिस. corresponding row
एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमिनेटेड. देन अगेन इन रिमेनिंग में से जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो आपका 9 है. जस्ट असाइन इट अगेन, यू कैन एलिमिनेट द कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, सो यू आर लेफ्ट विद 10. एंड सिंपली आपको ऑप्टिमल कॉस्ट चाहिए तो ऐड कर दीजिए 10 प्लस 9 प्लस 8, सो 27 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब डिमांड और सप्लाई आपका सेम होता है. विद एम सोर्सेज एंड एन डेस्टिनेशन द नंबर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स आर वॉट. सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए. कई बार क्या होता है एम और एन आपको दे देते हैं और आपसे नंबर ऑफ बेसिक फीजिबल सोल्यूशन या नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स पूछ लेते हैं, तो वो होता है एम प्लस एन माइनस वन. लेट्स कंसिडर नाउ फ्यू क्वेश्चन जो आपके मैट्रिसेस पर बेस्ड है, और आगे हम एलपीपी के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे. ईगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर दिस. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स ईगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज कुछ भी आ सकता है, आपको नेम पता होना चाहिए. सो यू नो दैट कि अभी यहाँ पे 3 ईगन वैल्यूज दिया हुआ है, तो इसको फाइंड नहीं करना है. हियर आई एम गिविंग यू द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कैसे आप क्विकली सॉल्व करेंगे. देखिए क्या है कि आपको पता है कि जो ट्रेस है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. अगर आपने मेरा मैट्रिसेस वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच, वहां पे मैंने फ्यू शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा. तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है और ट्रिक्स को अप्लाई करना है. ट्रिक क्या थी कि ट्रेस अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स का है तो वो सम ऑफ द ईगन वैल्यूज होता है, राइट. ये हमारी प्रॉपर्टी थी. तो स्टूडेंट्स शॉर्ट ट्रिक क्या है कि गो फॉर ऑप्शंस. यहां पे ट्रेस क्या है, यहां पर ट्रेस है 3 + 3 + 3 मतलब 9 है. तो आप क्या करिए, ऑप्शन में से ईगन वैल्यूज का सम इसी प्रॉपर्टी को लगाइए, जिसका सम 9 है दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आप देखिए इसका सम 9 है, नहीं इसका सम 9 है, नहीं इसका सम 9 है, यस, तो यही आंसर होने वाला है. इसका सम 9 है, नहीं, तो देखिएगा. तो जस्ट आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है. ट्रेस जो होता है, ट्रेस मतलब डायगनल एलिमेंट्स का सम, वो इक्वल होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. तो ऑप्शंस में से देख लीजिए किसका सम जो है वो ट्रेस के इक्वल आ रहा है, वही आपका आंसर होगा. द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा. द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स बी वॉट. तो सबसे पहले तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है और आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो वी हैव स्टडीड कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर होता है तो उसके जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो ही उसकी ईगन वैल्यूज होती हैं. ये इसका ईगन वैल्यूज हो गया, राइट. तो ईगन वैल्यूज क्या है, 2 है, 1 है, 3 है एंड 2 है, ये 4 ईगन वैल्यूज है. क्वेश्चन कहता है डिस्टिंक्ट, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. तो डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज क्या होंगी, 1, 2 एंड 3, राइट. सो आंसर विल बी 3 फॉर दिस क्वेश्चन. एंड ईगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई विल लाइक टू टेल यू कि ईगन वेक्टर कैसे निकालते हैं और कैसे हम क्विकली शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से निकालेंगे. आई होप कि आपको ये पता है इसका मतलब ट्रांसपोज होता है, जब आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे रो का ट्रांसपोज है, मतलब ये कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है. तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप क्विकली जो है वो ईगन वेक्टर्स भी निकालना सीख लेंगे. स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू होगी वो डायगनल एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब 1, 1 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है. ये आइगन वैल्यू है. आइगन वेक्टर में आप याद रखिए कि आइगन वेक्टर होता है ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x, दैट इज एन आइगन वेक्टर. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर a रखना है. a मतलब जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है. x अभी आई एम लिविंग इट एज इट इज. लैम्डा आपका 1 आना चाहिए इक्वल्स टू x, ठीक है. तो यहां पर आप क्या करिए, जो क्वेश्चन में दिया मैंने ऑप्शंस, एक्स मतलब क्या है, ये वाला एक्स है. तो आप एक एक रखकर देखिए, जैसे 1, 2 और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, इसको इससे करेंगे तो ये आपका आ रहा है 1 + 16 दैट विल बी 17 एंड दिस इज 2. तो ये और ये वाला सेम आना चाहिए. अगर सेम आया तो इसका मतलब एक्स जो आपने माना है दैट इज राइट. अब ये सेम नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है. अभी वापिस समझिए, आप बस ये ध्यान रखिए ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x, ये x और ये x आपका सेम आना चाहिए, तो वो ईगन वेक्टर हो जाता है.
तो आप ए तो वो लिख लीजिए जो आपके क्वेश्चन में है, एक्स कहाँ से आएगा, ऑप्शंस में से ही ले लीजिए. नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दिस इनटू दिस तो ये आ रहा है 5 और दिस इनटू दिस तो ये आ रहा है 0. तो आप देख रहे हो ये और एक्स एक्स जो है वो सेम है, तो लैम्डा क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, राइट 1 होगा. तो यहाँ पर व्हेन दिस एंड दिस इज सेम तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वन ऑफ द इगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स बी व्हाट, तो यहाँ पर आपको देखना है. तो उसके लिए अगर आप आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आई एम यहाँ पे आई विल मेक सम करेक्शन, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है. सो देखिएगा आइगन वेक्टर क्या होगा, एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई थी ट्रेस वाली, एक ट्रिक हमने देखी थी अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर, एक ट्रिक हम ये भी देखा था कि अगर हम इसका सम करते हैं तो इफ इट इज सेम, जैसे आप यहाँ सम कर रहे हैं इफ इट इज सेम तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी -3, राइट. सो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आइगन वेक्टर निकालना है, तो या व्हाट वी विल डू इज -5, 2, -9 एंड 6. तो आप क्या करें, इसको एक एक को मल्टीप्लाई करके देखें और ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ये आप थोड़ा सा क्विकली करें तो देट विल हेल्प यू. तो ये देखिए ये 7 और 15 है तो ये सेम नहीं आएगा. ऐसे -2, 9 नाउ ये भी सेम नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव है इसलिए, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया. देन 2 एंड -1 अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो दिस विल नॉट आंसर क्या होने वाला है आपका, लास्ट वाला ही होने वाला है. लेकिन आई वांट टू चेक इट, एक बार हम चेक कर लेते हैं. -5, -9, 6, 1, 1 तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका -3. तो -3 आप कॉमन लेंगे तो 1, 1 तो देखिए सेम आ रहा है और ये आपका लैम्डा था. इक्वेशन यही कहती है कैरेक्टरिस्टिक की लैम्डा इंटू एक्स. तो देखिए लैम्डा भी मिल गया आपको इगन वैल्यू और एक्स वेक्टर भी सेम मिल गया. सो आंसर विल बी 1, 1. दिस इज हाउ यू फाइंड द आइगन वेक्टर. फॉर द मैट्रिक्स दिस वन ऑफ द इगन वैल्यू इज -2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इगन वेक्टर. सो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखिए कि ये जो है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो ये जो है वो इसकी इगन वैल्यूज हो जाएंगी -2, 1 एंड 3. अब आपको ये पता है, ठीक है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये इगन वैल्यू है तो बताएं आइगन वेक्टर इसमें क्या होगा. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स करना है. क्वेश्चन में ए आपको गिवन है, एक्स आपको यहां से लेना है, तो आपको एक एक मल्टीप्लाई करके देखना है. अगर ये वेक्टर आपको मिल जाए और आइगन वैल्यू -2 कॉमन मिल रही है तो दैट मीन्स दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमें आता है. सो वंस यू विल डू दिस तो कैसे आएगा, तो आप देख रहे हैं ये और ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, ठीक है, ये ऑप्शंस वाले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल नॉट गेट लास्ट वाला, मैं आपको एक बार बता रही हूं. लास्ट वाले से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को तो आपको ये आएगा कॉमन, तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2, 5 एंड 0. तो आप देख रहे हैं x एन x सेम है और ये आपका लैम्डा हो गया क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा -2 दिया था, तो ये आपका लैम्डा हो गया. तो ये इक्वेशन ऐसे बन रहा है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो इसका मतलब इगन वेक्टर क्या होगा 2, 5 एंड 0. तो ये अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, आपको वैल्यूज बता दी कि कॉमन नहीं आने वाला है, ठीक है. जस्ट टू सेव द टाइम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इगन वेक्टर निकालना है. सो वेन एवर देर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ आइगन वेक्टर सिंपली आप ये वाला नॉर्म लगाइए, ये वाला रूल लगाएं ax इज इक्वल टू लैम्डा x, जिसमें ये और ये जो है वो सेम होना चाहिए. अगर इफ यू आर गुड एट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अगर आपको अच्छे से आता है तो इसमें फिर कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक. कंसिडर द एलपीपी, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करना है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है. कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं और आपको ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है. ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है स्टूडेंट्स एलपीपी, सो इफ यू हैव टाइम देन यू शुड गो फॉर इट. आई विल टेल यू कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हमें फीजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है.
स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना इसको इक्वल मानना है, अज्यूम करना है एज अ स्ट्रेट लाइन इक्वालिटी मान के, और हम पॉइंट्स निकालेंगे. तो एक बार एक्स जीरो रखिए, एक बार वाई जीरो रखिए. तो जब आप x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -1 आ रही है, यहीं पे पॉइंट लिख लीजिए. और एक बार y 0 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो पॉइंट लिख लीजिए. इसमें देखिएगा, एक बार आप x को 0 रखें, y को 0 रखें, तो जब आप x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट. एक बार आप y को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 आ रही है, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट. सिमिलरली फॉर दिस x 0 y 0. सो जब आप x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है आपकी 2, एंड जब y 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 4. अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है जस्ट बाय प्लॉटिंग दीज लाइंस. तो यहाँ पे आपका है ये हो गया आपका 0, -1, यहाँ पे कहीं 1, 0 है, तो आप इसमें से लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड टिक इट एज 1. ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, और देख लीजिए यहाँ पर फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा. लेस देन है, तो लेस देन मतलब ये वाला एरिया. देन आप यहाँ पर देखिएगा 0, 2 एंड 1, 0, तो ये 1, 0 है, 0, 2 समवेयर ओवर हियर ले लेते हैं, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा. राइट, दिस इज लाइन नंबर 2, एंड जस्ट चेक इट आउट द एरिया. एरिया क्या है, ग्रेटर देन कौन सा, 2x + y का. ग्रेटर देन मतलब बाहर, 0 से अवे. नेक्स्ट देख लीजिए, 0, 2 हो गया और एक पॉइंट हो गया आपका 4, 0, तो ये वाली आपकी लाइन आ गई. राइट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इसका. इसकी इनइक्वालिटी देख लीजिए, लेस देन है, लेस देन मतलब 0 की तरफ. तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये आपका फीजिबल सोल्यूशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से पॉइंट हो गए. एक तो 0, 2 हो गया, एक आपका 1, 0 हो गया. ये वाला पॉइंट जो है वो आपको निकालना है. तो कैसे निकालते हैं, देखिए जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो ये वाली लाइन है, थर्ड एंड फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, और आपका x + 2y = 4 थर्ड इक्वेशन था. एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो -3y = -, तो y आ गया आपका 1, और किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे तो x आपका आ जाएगा 2. तो आपको ये पॉइंट मिल गया 2, 1. तो आपको ये जो 3 पॉइंट्स है उस पर जो मैक्सिमम है, ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये आपका फीजिबल सॉल्यूशन के 3 कॉर्नर्स, 3 पॉइंट्स हैं, उनको आपको सिंपल यहाँ रखना है. तो ये आ रहा है आंसर 5, ये आ रहा है आंसर 14, और ये आ रहा है आपका 5 × 2 = 10 + 7 = 17. तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो मैक्सिमाइज था. सो देयरफॉर इसका आंसर हो गया आपका 17. तो LPP थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, फीजिबल सॉल्यूशन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. ठीक है, सो बेटर इफ यू हैव टाइम देन यू मस्ट डू दिस, अदरवाइज स्किप करके वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. सो एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं. नाउ दिस इज फॉर मिनिमाइजेशन. कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है, मतलब फीजिबल सॉल्यूशन निकालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. सो लेट्स डू दैट. सो अभी स्टूडेंट्स आपको 2 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं. तो आपको एक बार x को 0 रखना है, और यहाँ पर जब x1 आप 0 रखेंगे तो आपके पास आ रहा है 0, 8. एक बार x2 को 0 रखेंगे तो ये आ रहा है 4, 0. दिस इज लाइन नंबर 1 है. तो यहाँ पर देखिएगा, ये कहीं 4, 0 आ गया, और यहाँ पे कहीं आपका 0, 8 आ जाएगा. एंड वी विल जस्ट डू दिस, और ये आपका लाइन हो गया. यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब बाहर की साइड जाएगा. ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें. एक बार x1 0 रखेंगे तो पॉइंट आएगा 2, और एक बार x2 को 0 रखेंगे तो पॉइंट आएगा 5. तो एक ये हो गया आपका 0, 2, और यहाँ कहीं आगे हो गया 5, 0. जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, दिस इज लाइन 2. देख लीजिए यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, तो मतलब बाहर की साइड जाएगा. तो ये वाला जो है वो आपका फीजिबल सॉल्यूशन हो गया. तो ये 2 कॉर्नर्स आपको पता है, ये वाला कॉर्नर निकालना है विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो आप दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए. तो ये आ रहा है आपका 1/2 आ रहा है, और x1 आ जाएगा
एक्स वन आ जाएगा आपका 1/4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। अब आपको ये जो आपका फीजिबल सोल्यूशन है उसके जो तीनों पॉइंट्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी 8, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स 15/4 प्लस 1/2, तो यू कैन टेक द एलसीएम एंड दिस विल बी 2, 17/4 एंड 4 4s are 16.25। तो इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स हियर आई हैव कंसिडर्ड वन थिंग, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर दोनों ग्रेटर थे और हमने यहाँ पर ये वाला भी बाहर जाएगा और ये वाला एरिया भी बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। आई हैव कंसिडर्ड दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर डूइंग दिस। ये इससे बाहर आएगा तो आपके पास सिर्फ दो पॉइंट्स आएंगे, एक आ रहा है 0.8 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा ड्यू टू द फीजिबल रीजन। आई होप यू गॉट इट। आपका एक लाइन ये था तो वो आपका बाहर आ रहा था रीजन, और एक लाइन आपका ये वाला था तो वो बाहर आ रहा था, तो फीजिबल रीजन जो दोनों रीजन्स से बाउंडेड होंगे वो निकालना है। तो वी हैव टू पॉइंट्स ओनली, 0.8 एंड दिस। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो 4.25 दे रहा है, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आया था वो दे रहा है। सो आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4.25। द फैक्टर्स दैट आर अलाउएबल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज व्हाट, चांस असाइनेबल। तो ये आपका SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है। वहां पे दो कॉजेज ऑफ वेरिएशन होते हैं, एक अलाउएबल होते हैं एक असाइनेबल होते हैं। तो चांस या रैंडम कॉजेज ऑफ वेरिएशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रोसेस में अलाउ करते हैं, और इवन इफ अगर ये कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट है तो जो आपका प्रोसेस है वो इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल रहता है। सो आंसर हियर विल बी चांस। असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन वो होते हैं अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये डेंजरस सिग्नल होते हैं, जैसे डिफेक्टिव रॉ मटेरियल्स या अनस्किल्ड आपका ट्रेनर है। अगर आपके सिस्टम में प्रोसेस में असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट है तो आपका प्रोसेस जो होता है वो आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होता है। द कंट्रोल लिमिट्स फॉर द मेन चार्ट विद द यूजुअल नोटेशन दिस। तो आपके पास मेन चार्ट होता है, रेंज चार्ट होता है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेंट्रल लाइन मेन चार्ट की एक्स बार होनी चाहिए, तो ये जो दो ऑप्शंस हैं वो आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। इनमें से देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कॉन्स्टेंट्स का होता है। अगर मेन चार्ट है, अगर ए टू है, ए टू के साथ हमेशा आर आता है, रेंज चार्ट आता है, और ए वन कॉन्स्टेंट एस बार आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन एक्स बार रहेगी। कॉन्स्टेंट जरूर याद करिए स्टूडेंट्स कि ए टू वाला जो होता है वो यहाँ पे अगर आर होता तो वो रेंज चार्ट के लिए आर आना चाहिए, और सिग्मा चार्ट या एस चार्ट के लिए ए वन आता है कॉन्स्टेंट। कंट्रोल चार्ट फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव। सो देखिए वी हैव पी चार्ट। पी चार्ट फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स के लिए होता है। ये कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पी चार्ट इज फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव, सी चार्ट इज फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, और एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के लिए होता है एनपी चार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इंडेक्स नंबर आपको गिवन है, टेकिंग 2017 एज अ बेस, मतलब ये आपको प्राइजेस पी नॉट गिवन है और ये आपको प्राइजेस पी वन गिवन है, और इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सो वी नो दैट जब प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है, सो वी हैव दिस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एंड तो आपको समेशन ऑफ पी वन करना है, तो ये आपके पास हो गया 360 और ये आपके पास हो जाएगा 190, दैट विल बी इक्वल्स टू 300 हो जाएगा इनटू 100। सो आंसर हो जाएगा आपका 120। तो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर। If the regression coefficient of y on x it is 0.4, then the possible value from the four values for the regression coefficient of x on y. तो आपको एक regression coefficient की value दी जा रही है और आपको दूसरे regression coefficient की value क्या possible होगी ये हमें बताना है। Now this is a very very good question and conceptual question. Now if it is given to you and you need to find this value, so it is better to go for the options.
राइट, बिकॉज आपको एक प्रॉपर्टी पता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कि ये इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है और आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वन होती है, ये हमें पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। तो अगर आपको एक वैल्यू 0.4 दिया हुआ है तो आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिसका प्रोडक्ट, मतलब ये वैल्यू कौन सी होगी अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लेस देन वन होगा। तो आप इसमें ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस में 2, 3, 4, 5 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आ रहा है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। बट मैं आपको और भी बताती हूँ, सपोज अगर आप 3 रख रहे हैं तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू ये है, तो ग्रेटर देन 1 तो कैंसिल, ऐसे ही 4, 5 सब कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक वैल्यू दिया हुआ है रिग्रेशन का और दूसरा निकालना है, तो आप ऑप्शंस में जाएं क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल या लेस होगी। सो आंसर हियर विल बी 2। लेट x1 x2 xn रैंडम सैंपल गिवन है फ्रॉम द पॉपुलेशन, आपको ये गिवन है, रेंज इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड आपको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइक्लीहुड फंक्शन आना चाहिए, उस लाइक्लीहुड फंक्शन को हम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा की हेल्प से थीटा, इसकी जो MLE है वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द लाइक्लीहुड फंक्शन फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, लाइक्लीहुड फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, तो अभी आपको ये प्रैक्टिस में होना चाहिए लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना, ठीक है। सो दिस विल बी थीटा की पावर एन कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इंटू थीटा माइनस वन, ये लाइक्लीहुड हो गया। अब आप इसका लॉग ले लीजिए लाइक्लीहुड फंक्शन का टू मेक योर कैलकुलेशन ईजी। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी कि जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स सम। अब हम मैक्सिमम वाला प्रिंसिपल लगा रहे हैं क्योंकि आपको MLE निकालना है, तो आप सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करें थीटा के रेस्पेक्ट में एंड यू विल गेट this equated to zero. I am doing it quickly क्योंकि I have to find the value for theta. तो ये हो जाएगा n. Just a second. I made a mistake over here क्योंकि यहाँ पे minus तो था ही नहीं, ये तो theta minus वन है तो plus ही तो आएगा, ठीक है, plus yes plus log x i, ठीक है, this will be minus एंड थीटा इधर आ गया तो ये हो गया माइनस लॉग दिस थिंग, ठीक है। तो ये आपका MLE आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा सा ये साइन जल्दी में, आई हैव डन दिस, यहाँ पे जब इधर आएगा तो ये प्लस ही था, राइट, आई हैव कंसिडर्ड इट एज नेगेटिव। तो नॉर्मल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है थीटा के रेस्पेक्ट में, इक्वेटेड टू जीरो और थीटा की वैल्यू निकाली। अभी ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में दिस विल बी द आंसर, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई भी हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि आपको पता है ना लॉग ए डॉट बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, राइट तो यहाँ पे अगर समेशन है तो कई बार ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई भी आ सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। सो ये भी आप थोड़ा सा कंसिडर करें। The level of significance is a probability. Level of significance आपको पता है अल्फा होता है, एंड अल्फा इज नथिंग टाइप वन होता है। टाइप वन मतलब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, और अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की टर्म्स में बोलते हैं तो टाइप वन जो होता है वो प्रोड्यूसर्स रिस्क भी होता है। Which sampling design is most appropriate for cluster sampling? तो आपको पता है either systematic sample है, cluster sample है, stratified sampling है, ratio method of estimation है, सब में हम SRSWR, in all these designs we go for SRSWR without replacement. Now what is the reason? क्योंकि इसका जो variance होता है वो less होता है as compared to with replacement. In RBD with 5 blocks, 6 plots each, if MSB, MST, TSS आपको given है, आपको means sum of squares due to error निकालना है, ठीक है? So let's do that. So यहाँ पर देखिए आपको blocks 5 दे रखे हैं और plots 6 दे रखे हैं, तो RBD की आपको condition जो है वो याद होनी चाहिए। Number of blocks is equals to number of replications and number of treatments is equals to number of units within each blocks. ठीक है, तो treatments यहाँ पे 6 हैं। Question में जो है वो आपको MSB दिया हुआ है। MSB मतलब होता है sum of squares of blocks divided by its degree of freedom.
तो MSB आपको कितना है, 10 गिवन है इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लॉक्स की एक आप माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगी. तो SSB आपका हो गया 40. सिमिलरली आपको ट्रीटमेंट्स का दिया हुआ है, ट्रीटमेंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी एंड सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय दिस थिंग. तो SST कितना हो जाएगा, SST आपका हो जाएगा 1575 हो गया. अब आपको पता है TSS क्या होता है, SST प्लस SSB प्लस SSE. तो यहाँ से निकाल लीजिए, TSS 140 है तो 140 में से आप माइनस कर दीजिए 40 और 75, मतलब कि 115 आप माइनस करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 25, राइट. और MSE क्या होता है स्टूडेंट्स, SSE डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो एरर आपने अभी निकाला 25 और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है RBD का R माइनस 1 एस के माइनस 1. तो ये हो गया 4 × 5 5 5 5 4 जो है वो आपका आंसर आ रहा है. 5 by 4 विल बी द आंसर. ओके, 5 by 4 इसमें पॉइंट्स में है तो ये हो जाएगा आपका 1.25 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए. MSE मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट. TSS आपको पता है ये होता है, तो यहाँ पे MSE पूछा है. ब्लॉक्स का RBD का आपको पता होना चाहिए. एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम R माइनस 1 एंड K माइनस 1 होता है, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड होप यू आर डूइंग वेल एंड गोइंग थ्रू ऑल योर रिविजन्स वेरी वेल. एंड फॉर टुडे स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and wishing you all the very best of luck.